नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी अपनी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही है। आप जो माल बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं, वो सामान किसी न किसी कारण से आपके पास वापस आ जाता है, या आपका माल रिजेक्ट हो जाता है, या आपके माल के रेट ज़्यादा होने के कारण आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, या जब माल के ऑर्डर आते हैं उस समय आपकी मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है। आप अपनी फैक्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको फैक्ट्री तो चलानी है, लेकिन आपको अपनी फैक्ट्री की जो ये समस्या आ रही है माल जाने की, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ अपनी फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। आपकी जो समस्या चल रही है वो समस्या आपकी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। उसमें आपने करना क्या है, आपकी अपनी फैक्ट्री चाहे किसी भी दिशा की है, उसमें जो आपके अपनी नॉर्थ वॉल है, उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक दीवार के साथ लगता हुआ, यानी नॉर्थ की दीवार से 3 फीट तक के एरिए में जो भी सामान दीवार के साथ रखा है, उस सारे सामान को आप वहाँ से ज़रूर हटाएं। उस सारे सामान को वहाँ से हटाकर अपनी फैक्ट्री के साउथ जोन में या वेस्ट जोन में, साउथ वेस्ट कॉर्नर की ओर रखें। ऐसा करने से मेरा अपना यह मानना है कि आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। ये उपाय 100% काम करता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। मेरा अपना मानना है कि आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। आपका माल भी समय पर तैयार होगा, आपकी मशीन भी ब्रेकडाउन नहीं करेगी। जब आपके पास ऑर्डर है और मशीन ने ख़राब भी होना है, तो आपका पूरा माल तैयार करके उसके बाद ही मशीन में दिक्कत आएगी, इससे पहले दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी फैक्ट्री में ये छोटा सा उपाय ज़रूर करके देखें। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप यह उपाय ज़रूर करके देखें। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।